Hi, hi, hi. Hi, Pulkit, Kriti. Pulkit. Hi. Hi, hi, hi. दिल्ली का जब भी जिक्र होता है पुलकित, अभी हमने फुकरे भी देखी ताबड़तोड़ अंदाज में, सुपर डुपर हिट. दिल्ली से क्या वास्ता है और जब दिल्ली का जिक्र होता है तो आप किस तरीके से तैयार रहते हैं अपने किरदार के साथ? यार, दिल्ली से ऑब्वियसली वास्ता तो सबसे स्ट्रांग है. दैट्स वेयर माय रूट्स बिलोंग. मेरी फैमिली भी वहीं से है, मैं भी वहीं से हूं. तो यू नो, इट्स ऑलवेज स्पेशल व्हेन वी आल्सो गेट अ चांस टू शूट इन दिल्ली, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे वहां का खाना खाने का मौका मिल जाता है. एंड आई मेक श्योर कि आई हॉग ऑन दैट फूड. एंड यू नो, ड्यूरिंग दिस वन आई थिंक वी हैड अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि फुकरे भी वहीं पे शूट करी थी. एंड देन सडनली यू नो, सो सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, सिमिलर काइंड ऑफ सर्कल वाज देयर. सो वी आर ऑलरेडी लाइक आई वाज, मेरे ख्याल से आधा साल मैंने पिछला दिल्ली में गुजारा है. एंड इट्स ऑलवेज फन टू शूट इन दिल्ली फॉर मी. दैट वेदर एंड दैट, इट्स अ डिफरेंट वाइब, आई थिंक सो. एंड देन ऑफ कोर्स करण वाज आल्सो देयर. सो यू नो, मतलब दिन में काम करो, रात में पार्टी करो. There's no option with him. Kriti, pichli shaadi humne Audi 4 mein ki thi, abhi second Audi 2 hai ye. To shaadi specialist hoti ja rahi hai aap ek tarike se kahein. Ye ladka kaun sa zyada pasand hai poocho pehle. Ha, ye second sawal tha mera. What are you doing? Nahi, mujhe to Raj pasand hai yaar. Tum apna choice Raj se kar lo. तुम रात से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ जाऊंगी दोनों. मेरे को ये नहीं समझ आएगा मैं किसकी बारात में नाचूं. चलो, राज तो रिजेक्ट कर दिया इसने. कुछ भी, सिंस दे आर नॉट आस्किंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव देम हेडलाइंस. ब्रो, सीरियसली, नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू से दैट. सॉरी, मैं तो क्वेश्चन ही भूल गई. बस वही था कि शादी स्पेशलिस्ट होती जा रही हैं आप. एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, पिछले एक साल में 5 बार दुल्हन बन चुकी हूँ. अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं कैसे इनोवेट करूँ, कॉस्ट्यूम्स कैसे चेंज करूँ, मेकअप कैसे चेंज करूँ, क्योंकि दुल्हन तो दुल्हन होती है. बट आई एम होपिंग दैट आफ्टर दिस, आई थिंक नेक्स्ट वील आई वांट टू प्ले अ क्रिश्चियन ब्राइड. आई डोंट माइंड बीइंग अ ब्राइड एट ऑल, बट मे बी अ क्रिश्चियन ब्राइड, आई थिंक इट लुक नाइस. तो एक तरीके से होगा कि विक्रम भट्ट साहब अपनी हॉरर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, आप शादियों के लिए जाने जाएंगे. मुझे लग रहा है, मैं कह रही हूँ मैं प्रोफेशनल दुल्हन बन चुकी हूँ. पीपल शुड कम टू मी फॉर ट्रेनिंग नाउ कि कैसे बिहेव करो और कैसे भागो शादी से. आई थिंक आई कैन एक्चुअली ट्रेन पीपल. आशु सर, किस तरीके से आगाज हुआ और अब जब फिल्म बन चुकी है तो रिलीज के लिए कितना तैयार है, हम जरा ये बताएं. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी फॉर कमिंग हियर. इट्स अ स्पेशल डे फॉर अस, बट यू ऑल हैव मेड इट मोर स्पेशल फॉर बाय कमिंग हियर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you be part of us because we do it for you. आपके लिए होता है ये. बट उसके अलावा आगाज़ की बात करें अगर हम, तो फिल्म जो है वो 8-1 महीने पहले शुरू हुई. उसके पहले ऑब्वियसली स्क्रिप्टिंग वगैरह शुरू हुआ. बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना, अकेला चल रहा था फिर कारवा बढ़ता गया. मेरे कारवा में भी, हमारे कारवा में बहुत लोग बढ़े जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. चाहे वो मेरे, मतलब सब यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग हैं, चाहे वो म्यूज़िक कंपोजर्स हैं, चाहे वो मतलब टेक्नीशियंस हैं मेरे. एक एक आदमी ने जो चीज़ चाहिए थी दिल निकाल के दे दिया इस फिल्म के लिए. और बोलते हैं ना, द कैप्टन इज़ ओनली एज गुड एज हिज टीम इज़. आई एम प्राउड टू हैव अ टीम लाइक दिस हु दैट हैज़ डन सो वेल फॉर मी एंड इट हैज़ कम एवरी टाइम फॉरवर्ड टू डू समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. फिल्म बनाने की जब बारी आई तो ऑब्वियसली हीरो हीरोइन इम्पॉर्टेंट थे. तो मेरे एक दोस्त हैं, मिस्टर राकेश उपाध्याय, आज है नहीं यहाँ पे, उनका बहुत योगदान रहा. हम लोग फिल्म की बात कर रहे थे तो पुलकित की बात निकली. पुलकित के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं वो. तो उन्होंने बोला, यार पुलकित के साथ करना चाहिए, मतलब बिल्कुल करना चाहिए, इससे बेटर कौन है. उन्होंने संभव कराया, उन्होंने मिलाया, उन्होंने किया. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल टू हिम. आई एम थैंकफुल टू एवरी पर्सन, एवरी टेक्नीशियन. मेरे कोरियोग्राफर्स हैं, मेरे एडिटर्स हैं, मेरे कैमरामैन हैं, मेरे म्यूजिक कंपोजर्स हैं, मेरे सिंगर्स हैं, मेरे एक्टर्स हैं. कृति का तो फैबुलस था. पहली बार जब कृति को मिले, अब फोन पे बात हुई, तो कृति के पास टाइम नहीं था फिल्म. कृति को सिर्फ बताया दुल्हन है तो वो मान गई. हाँ, तो पहली बार तो उसने बात ही नहीं की. फैबुलस. उसके बाद शूटिंग से कुछ 10 दिन पहले कृति का संभव हुआ. तो हम तो बहुत अच्छे खुश हो गए कि यार एक मतलब रेडीमेड दुल्हन आ गई. तो बोले, रेडीमेड दुल्हन के साथ में हमको काम कम करना पड़ेगा, उसका इनपुट ज्यादा आएगा. इसको इस तरीके से करते हैं, ये ऐसा करते हैं. बोली ना, मैं अब कॉस्ट्यूम कैसे इनोवेट करूं. तो कॉस्ट्यूम्स को इनोवेट करना.
बट मैं जो सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसकी वजह से ये फिल्म बनी, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचा, वो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब गोम्बर साहब, करण जी, राजेश बख्शी, रजत बख्शी, चंदन बख्शी, दे आर द पीपल बिहाइंड इट. मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं आज 18-20 साल से फिल्मों को डायरेक्ट कर रहा हूँ, और मैं अगर संक्षेप में सब कुछ बोलूँ तो नए प्रोड्यूसर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. लोग बहुत डिफ़िकल्ट कर देते हैं उनके लिए फिल्म बनाना, और मुझे मालूम है इन्होंने तन मन जान से जो चीज़ें चाहिए थी वो ला के लगाई, उन्होंने यहाँ पे आगे किया, इन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला. हमने जब काम करना चाहा उन्होंने बोला हाँ करते हैं. मुश्किल, हर फिल्म में मुश्किलात होती हैं, इसमें भी थी, लेकिन यहाँ पर मतलब जो डेडिकेशन, जो पैशन के साथ में ये आए, आई एम श्योर दे विल टेक देम सीरियसली. नाउ द इंडस्ट्री विल स्टैंड अप एंड नोटिस देम, एंड वी नीड मोर पीपल लाइक देम टू मेक मोर फिल्म्स फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री. सो आई एम रियली थैंकफुल टू द गोम्बर्स एंड द बख्शीज फॉर बैकिंग एंड पुटिंग फेथ इन टू मी टू मेक अ फिल्म लाइक दिस. मेरे लिए तो सब खुश तो मैं खुश. प्रीति से सवाल है, इन दिनों जो असल जिंदगी में माहौल है फेमिनिज्म को लेकर, और फिर दूसरी आपकी फिल्म का नाम वीरे दी वेडिंग, वीरे की वेडिंग है, ऐसी एक फिल्म है वीरे दी वेडिंग, और तीसरा आपका जो परफॉर्मेंस है, आप हीरो की छाती में बैठ के तमाचा मार रही हैं, तो इसका नाम गीत की वेडिंग क्यों नहीं रखा, या गीत या वीरे, मतलब वीरे गीत की वेडिंग, मतलब हीरोइन का नाम नहीं है जबकि हीरोइन का परफॉर्मेंस बहुत पावरफुल है. अरे आप दो जवाब उसका क्यों नहीं है मेरा नाम? सवाल आपकी तरफ है. Why is my name not in the title? Next सवाल, next film, वीरे, next film यार, part two भी तो बनानी होती है, गीत की वेडिंग होगी ना? As far as another film is concerned, देखो honestly मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है. Very frankly, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए. वो मेकर्स की अपनी लुकआउट होती है. आई एम जस्ट हैप्पी कि हमारा जो टाइटल ट्रैक है बहुत मस्त बना है, तो अच्छी बात है कि द टाइटल इज़ वीरे की वेडिंग, बिकॉज वी गॉट अ ग्रेट टाइटल ट्रैक आउट ऑफ इट. एंड उससे पहले वाला पहला सवाल क्या था? तुमने भेजा इसको? अच्छा मैं एक चीज़ इसके बारे में एक बोलना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड. सबसे बड़ी बात क्या होती है कि फिल्म मेकिंग जो होती है एक टीम वर्क का प्रोसेस होता है. अगर हर आदमी खड़ा होकर के बोलने वाला कि मेरा क्या और मेरा क्या, तब तो बन गई फिल्म. फिल्म में सब साथ में जुड़ के काम करते हैं और हम लोग एक दूसरे को आगे करते हैं, ना कि खुद आगे आना चाहते हैं. As far as I'm concerned, honestly, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं फिल्म इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है. एक टाइम था जब मैं बस ऐसे ही कर रही थी, बट पिछले 2-3 साल में आई हैव रियलाइज कि मैं कितना इन्जॉय करती हूँ अपना काम और मैं क्यों करना चाहती हूँ, मैं क्यों एक एक्टर बनना चाहती हूँ. बहुत सारी जिंदगियाँ एक साथ जीने का मौका मिलता है, बोरियत नहीं होती, और जो हम जो बाहर लोग टैलेंट बोलते हैं ये हमारी पर्सनैलिटी है. जो बाहर लोग कहते हैं कि ये एक्टर है, वो बस हमारी ज़िंदगी का एक पहलू होता है. तो आई थिंक नज़रिए पे डिपेंड करता है. तो मेरे नज़रिए से अगर आप देखो तो मैं एक फ़िल्म का हिस्सा हूँ. किसी और का कोई और नज़रिया हो सकता है कि ये टाइटल क्यों नहीं है, बट मुझे ऑनेस्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आई एम अ पार्ट ऑफ अ फिल्म दैट आई एंजॉय बीइंग पार्ट ऑफ. वाह क्या बात है, तालियां सब लोग. कृति और पुलकित, टाइटल की बात निकली है तो टाइटल पे एक सवाल मेरा भी है कि एक फिल्म और आ रही है जून में, वीरे दी वेडिंग, जिसमें करीना, सोनम और स्वरा भास्कर है, उससे टाइटल काफी मिलता जुलता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा कंफ्यूजन भी लोगों को हो रहा था कि एक बार पहले भी पांच भगत सिंह आई थी साथ में. हाँ, you know, उनका तो प्लॉट भी सेम था ऑब्वियसली, बट ओनली द टाइटल इज क्वाइट सिमिलर. ऑलराइट, सो आई थिंक द मेकर्स दे हैड द टाइटल ऑलरेडी एंड देन द अदर वन गॉट अनाउंस्ड एंड आई थिंक दे वर डिस्कसिंग हाउ टू सॉर्ट इट आउट एंड ऑल दैट स्टफ. इट्स अप टू देम. कल को अगर गीत की वेडिंग भी करते हैं, I have no problems at all. It's a nice film and it's a fun film, yeah. And both are different kind of films, obviously. So after we are done with this, I think we'll look forward to that one as well. अच्छा एक सवाल और कि दिल्ली में जब आप लोग शूटिंग कर रहे थे तो कोई ऐसा स्टैंड आउट मोमेंट आप दोनों के बीच में शूटिंग के दौरान, कुछ यादगार पल, ऐसे कुछ ऐसा हुआ था खास जो आप शेयर करना चाहेंगे आप दोनों? तुम हंसोगी कम तो वो लिखेंगे कम, पता है. कुछ ऐसा मोमेंट आप दोनों के बीच में हंस पड़ी, बताओ. सो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल गोल.
नहीं, हमने सिर्फ खाना खाया यार दिल्ली में पूरा टाइम. मेरा 3 या 4 किलो वेट बढ़ा था इस शूट हम में. लोग पूरा टाइम सिर्फ खाना खाते थे. कभी भी ब्रेक हुआ खाना खाओ, ब्रेक हुआ खाना खाओ, ब्रेक हुआ खाना खाओ. ब्रेक नहीं है तो भी खाना खाओ. हमें अगर पता चलता था कल लोकेशन जो है वो 1.5 घंटा दूर है ट्रैवल करके, थोड़ा इंटीरियर्स में है और वहाँ पे खाना नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो हम प्रॉपरली सुबह 8 बजे कहीं से अरेंज करके, या मेरे घर से आ जाएगा या हम होटल से ले लेंगे या कहीं से ले लेंगे, एंड देन वी वुड गो देयर विद फूड एंड अगेन एंजॉय. हम लोग पिकनिक के बीच में शूट कर रहे थे क्वाइट लिटरली. हमने इतना खाया है, दिल्ली जाके खाओ नहीं तो क्या मजा आता है. जस्ट लाफिंग एट हिम. हम लोग, हम देखो जब देखो खाते ही रहते हैं और कोई काम धंधा नहीं हमें, बस टिफिन खोला खाया फिर वापस गया. अच्छा शाम को क्या खाएंगे, सिर्फ वही डिस्कशन होता था. और करण के घर से खाना आता था आधे से ज्यादा टाइम. आखिरी सवाल मेरा कि पुलकित, क्या आपको लगता है कि पुलकित, क्या आपको लगता है कि हिंदी सिनेमा जो इंडस्ट्री है, हिंदी सिनेमा बॉलीवुड ओवर टैक्स इंडस्ट्री है? आवाजें उठती रहती कि टैक्स कम होना चाहिए. आई थिंक एंटरटेनमेंट टैक्स ऑब्वियसली इट बर्न्स अ बिग होल इन एवरीबॉडीज पॉकेट्स, यू नो. उसकी वजह से आई थिंक इवन अ लॉट ऑफ कॉमन पीपल आर नॉट एबल टू एक्चुअली कम एंड एक्सपीरियंस द सिनेप्लेक्स एक्सपीरियंस दैट पीपल आर फॉन्ड ऑफ. जो यू नो, आप आज अगर फैमिली के साथ निकलते हैं और यू नो हस्बैंड वाइफ मे बी 2 kids, 2 या 3 हज़ार से कम तो कहीं भी नहीं लगेगा. इट्स लाइक पॉपकॉर्न भी ऑर्डर किए, टिकट्स आर सो फकिंग एक्सपेंसिव. सॉरी, यूट्यूब पे भी मत डालना प्लीज. तो या आई थिंक दैट टैक्स इज समथिंग दैट बर्न्स होल इन पीपल्स पॉकेट. या देयर शुड बी अ लिटिल मोर लीनियंसी इन दैट. आज आपने बजट फॉलो किया, कुछ रिएक्शन की कैसा रहा? नहीं किया. मैं सुबह 7 बजे उठा, फिर मैंने वर्कआउट किया. उसके बाद मेरे पापा टीवी लगा के बैठे हुए थे अपना जो भी रात के कपड़ों में बैठकर, और उन्होंने कहा बैठ जा देख ले क्या करने का, आप ही ने संभालना, आप देखो मुझे क्या लेना देना इससे यार. कृति, मुझे नहीं समझ में आता. माय सिस्टर्स माय चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो जॉब उसका है. मुझे 2 घंटे लगते रेडी होने में. मैं रात को शूट कर रही थी, फिर मैं सुबह उठी बहुत मुश्किल से, मैंने ट्रायल्स करे, फिर मैंने मेकअप करा, मैं सीधा इधर आ गई. तो मुझे कुछ फॉलो नहीं करा. कुछ आया क्या इंटरेस्टिंग आज? हाँ, आपने सुना कुछ? ऑलमोस्ट सेम है ना? या ऑलमोस्ट सेम. सो ठीक है, देखेंगे 19 में. हाय पुलकित, हाय कृति. हाय कृति, हेलो कृति. 5% कम कर दिया है किस पे? ओह ओके, पता नहीं, मेरे तो उतना ही जाएगा ना जेब से. लेकिन हाय पुलकित, हाय कृति. हाय. राइट, स्ट्रेट अहेड ओवर हियर, रसल फ्रॉम मूवी फाइट. सबसे पहले मैं पूरी टीम को फ्रॉम मूवी फाइट, नॉट फाइट, फाइड. अच्छा, एंड्स विद अ डी. ओके, या एवरीबॉडी मेक्स दैट मिस्टेक, इट्स कॉमन. ओके, सो सबसे पहले मैं पूरी टीम को बधाई देना चाह रहा हूँ. द ट्रेलर इज रियली वेरी एंटरटेनिंग. ओके, सो माय क्वेश्चन इज टू बोथ ऑफ यू ऑल. वीरे की वेडिंग लुक्स लाइक अ टिपिकल मसाला फैमिली एंटरटेनर व्हिच फैमिलीज लव टू गो एंड वॉच इन क्राउड्स. बट दिस जॉनर यूज्ड टू बी अ लॉट इन द 80s 90s. अभी थोड़ी सी कम हो गई है. Okay, such bolu to, or and we are missing that genre. So did you all ever think so that ki thoda sa ye genre ghusne mein thoda sa nervousness tha? Nahi yaar, I think, see, for me, if you ask me, it was as simple as Karan and his dad coming to me and telling me we want to make a film. I know him since, like, you know, we're like almost neighbors, right? Matlab mera ghar agar Lokhand wala mein hai to ye Oshiwara mein hai. It's like that in Delhi. So when he says something, I just do it. He's like a father to me. And so yeah, there was no question asked kind of friends we are. Raat ko 3 baje bhi call kare, main khada ho jaunga wahan pe. So it's just that, yeah. Matlab itna kabhi socha hi nahi kuch bhi. We have always worked with friends. I've always worked with people who I love to work with, and just move ahead from there. So that's how this one also, you know, conceptualized, and we kind of made it happen together. कृति, आपको क्या लगा? बिकॉज शादी में जरूर आना भी, उसमें आपने दुल्हन का रोल किया, बट दैट वॉज अ सोशल टेक ऑन थिंग्स एंड ऑल. लेकिन ये पूरा आउट एंड आउट फैमिली एंटरटेनर लग रहा है. तो आपके मन में कुछ था कि मसाला फैमिली एंटरटेनर में 2017 में ये फिल्म करना? नहीं, ऑनेस्टली कोई ये नहीं था मेरे दिमाग में. आई डिडंट रियली हैव अ स्ट्रेटजी, मैं आपको ऐसे ही बोलूँ. बट मुझे लगता है जब आप मूवी देखने जाओ तो लीव योर स्ट्रेस बिहाइंड. दिस इज़ वन ऑफ दोज कि बस चिल करो, जाके पॉपकॉर्न खाओ, देखो, मज़े आएंगे. शायद कुछ ज्ञान मिल जाए कि कैसी दुल्हन बनना चाहिए या कैसे भागना चाहिए या माँ बाप को कैसे मनाओ, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज का ही वॉर है, टू बी ऑनेस्ट. एंड आई हैव नॉट हैड दैट इन माय पर्सनल लाइफ, अनफॉर्चुनेटली. लाइक आई सेड, एज एन एक्टर आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जो आप नॉर्मली नहीं जियोगे.
तो ये मेरे लिए वो है. मेरे मॉम डैड बहुत अकोमोडेटिंग है यार, मैं किसी को भी घर ले जाती हूँ, कुछ नहीं बोलते. और मेरा आपसे एक और सवाल है, यू डिड अ साउथ फिल्म इफ आई एम नॉट मिस्टेक, आई थिंक सो, विद जीवी प्रकाश. यस. तो साउथ में और कोई ऑफिस है कि अभी आपसे बॉलीवुड पे कॉन्सेंट्रेट? नो नो, आई हैव अ रिलीज इन फैक्ट कमिंग वेरी सून इन कनाडा. आई हैव मैनेज्ड टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ इन कनाडा. मैं रहूँगी तो वहीं की. नो आई हैव नॉट, आई एम इन फैक्ट इन टॉक्स फॉर टू. आई एम सपोज टू स्टार्ट शूटिंग माई नेक्स्ट. सो या, it's going to happen, it's going to continue. Okay, thank you. We'll take two more questions. Pulkit, Justin here towards straight here. Hi, what's hi, up? Justin. Hi, living. Hi. Pulkit, towards the start of the event, you made a tongue-in-cheek remark about weddings. I just wanted to know, have you lost faith in the institution of marriage? Good question, Justin. Good question. Thank you. Answer. You know, somebody asked me yesterday, what are you going to do being single this Valentine's? How are you going to celebrate it? I said, I would rather be with my dog, because that's the 100% sure shot guaranteed affair that will last your lifetime. There's nothing else that lasts you more than that. So yeah, I think unconditional love, wherever you get it, just grab it. He that's asked it. About and just marriage. Yeah, matlab institution, right? Right. Do you still have faith in the institution of marriage? I don't know. Kyun? No, in love definitely, but I don't know, that certificate means something or not right now where I stand. I really don't have any comment on that, but yeah, maybe later if I get married ever. Looking forward. Then I'll call you. One short question we'll take. मेरे पास ये दारू वाला सवाल तुम इतने होश में पूछ रहे हो यार. मैं पूछ सकता हूँ? तो कितना control किया मैंने अभी. मिलो मुझे बार स्टूल दे दिया, दारू भी तो लाते फिर. नहीं बट सच्चाई बहुत निकल रही है. इतने इतनी इतनी सच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस यार हमने कभी नहीं देखी. जोरदार तालियां हो जाए. कम ऑन फॉर दिस अमेजिंग कास्ट यहां पे. त्रिखा साहब, एक आपसे सवाल है मेरा, जाते जाते आखिरी सवाल मेरा. ये कह रहे हैं बिग वेडिंग भसूड़ी ऑफ द ईयर. शूटिंग के दौरान कभी ऐसा लगा यार भसूड़ी पै गई यार, ये क्या कर दिया मैंने, कहां कूद गया यार? तो इन लोगों ने कितना टफ टाइम दिया ये बता दीजिए. कोई शूटिंग में कभी ऐसा होता ही नहीं कि भसूड़ी ना हो. अच्छा, फिल्म अगर बनाओ तो शुरू ही होता है उधर से, और फिर फिल्म बनाते 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 बन जाती है. बट इनके साथ मुझे कोई तकलीफ नहीं. इनको मेरे से तकलीफ हो तो मैं बोल नहीं सकता. बता दो भाई, वो भी वो आप इनसे पूछो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो थोड़ा कंट्रोवर्सी देते हैं, बहुत परेशान. I'll talk on 10th March. There you go. Thank you so much, ladies and gentlemen. This is the amazing cast and crew of Veere Ki Wedding. Zordar taliyan ek baar wapas. Thank you. Thank you everybody for coming and for time and energy. Thank you. You want some pictures? We'll have a quick photo op one more time. Yeah.